FORD ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम कारक पढ़ रहे थे, हमने कारक में कारक की परिभाषा देखी थी और आज हम कारक का उदाहरण देखेंगे कि कारक के उदाहरण से हम कारक को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम कारक की परिभाषा को दोबारा देखते हैं और कारक में आगे बढ़ते हैं। तो कारक की परिभाषा देखते हैं, यानी जो क्रिया को करता है या जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है अथवा परंपरा से संबंध होता है तो वह कारक कहलाता है। तो हमने परिभाषा देखी कि जो क्रिया को करता है या जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है अथवा परंपरा के साथ संबंध होता है वह कारक कहलाता है। तो हम दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में हम कारक की परिभाषा को अच्छी तरह से समझेंगे और कारकों को भी जानेंगे। कारक के प्रकार, छह प्रकार के कारक होते हैं, उनको जानेंगे कि वाक्य में कारक किस प्रकार में मिलेंगे और हम संस्कृत वाक्य कैसे बनाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और कारक का उदाहरण देखते हैं। तो ए मनुष्य नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वस्तेन कोसात निर्दने भय धनम सॉरी ग्रामे धनम ददाति। तो हम इस उदाहरण से कारक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं इसका निहित बताता हूँ कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से कोष से निर्धनों को धन बांटता है। वो और कहाँ बांटता है, ग्राम यानी कि गांव में। तो हम इससे एक सारणी बनाते हैं और उसे कारकों को समझते हैं। तो देखिए प्रश्न, प्रश्न उत्तराणि कारक और विभक्ति। तो देखिए हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। इसे फर्स्ट कारक क्या होता है, तो हम देखते हैं कि नरदेव का पुत्र जयदेव, कर्ता कौन है इसमें, जयदेव यानी जयदेव इसका कर्ता है। तो क ददाति यानी कि धन कौन देता है, निर्धनों को धन कौन देता है, जयदेव यानी इसका उत्तर होगा जयदेव। जयदेव यानी जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है, यानी कि जयदेव स्वतंत्र रूप के धन को बांटता है। तो यहाँ पर अपना कर्ता होगा जयदेव और कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक और विभक्ति प्रथमा। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे अपना होगा कर्म कारक। तो कर्म में देखिए इसमें कर्म क्या है, जयदेव क्या कर्म कर रहा है, धन बांटने का कर्म कर रहा है, ये धन बांटने का। तो किम ददाति यानी कि क्या देता है, निर्धनों को क्या देता है,
धन देता है। तो इसका उत्तर होगा धनम, यानी निर्धनों को धन बांटता है। और इसका कारक होगा कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति। और थर्ड वे अपने आते हैं कर्ण कारक। तो इसमें कर्ण क्या होगा, किससे देता है, यानी स्वस्थ है, यानी कि अपने हाथों से देता है। तो केन ददाति, केन ददाति यानी कि किससे देता है, अपने हाथों से, यानी स्वस्तेन। और कर्ण कारक और तृतीय विभक्ति। और फोर्थ नंबर पे बनाते हैं संप्रदान कारक। तो इसमें संप्रदान क्या होगा, निर्धन भय, यानी कि किसके लिए दान दे रहा है, निर्धनों को। तो दान के कर्म में चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। तो यानी के भय, यानी किनको देता है, के भय ददाति, यानी किनको दान दे रहा है, निर्धनों को, निर्धने भय, निर्धने भय। तो इसका आंसर होगा निर्धने भय और संप्रदान कारक। और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति। तो हम आगे बढ़ते हैं और पांच नंबर पे अपनाते हैं, यानी फिफ्थ नंबर पे अपादान कारक। तो इसमें अपादान क्या होगा, कोषात, यानी कि किस में से दे रहा है। तो कोष से, अपने खजाने से। तो कस्मात यानी किस में से दे रहा है, कस्मात ददाति, अपने कोष से, यानी कि कोषात। और इसमें होगा अपादान कारक, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। तो दोस्तों हमने फिफ्थ तक पढ़ लिया है, फिफ्थ कारक हो गया अपना अपादान कारक। और अब हम अधिकरण कारक को देखते हैं। तो अपना छठवां नंबर पे अधिकरण कारक। तो अधिकरण इसमें सप्तम विभक्ति कहाँ पे, ग्राम में, यानी कि धन को कहाँ पर देता है, ग्राम में, यानी कि गांव में। तो कुत्र ददाति, यानी कहाँ पर देता है, ग्राम में, यानी कि गांव में, गांव में। और अपना अधिकरण, अरे अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो हमने ये सारणी बना के इसको समझा कि किस प्रकार में वाक्य में कारक मिलेंगे और हमें उन्हें कैसे पहचानना है। तो इन कारकों की विभक्ति के हिसाब से हम इनको पहचान सकते हैं और इनके प्रतीक चिन्ह देख के हम इनको आराम से पहचान सकते हैं और अपने कारक से वाक्य बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इस सारणी को अच्छी तरह से देखना और इस उदाहरण के हिसाब से इसको अच्छी तरह से समझना। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अब आगे कारक का स्पष्ट प्रकार कर्ता कारक देखेंगे और उसे समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए कारक में फर्स्ट नंबर पे अपने आते हैं कर्ता, ये कर्ता कारक।
कर्ता कारक में क्या होता है कि स्वतंत्र कर्ता, यानी जो क्रिया के साथ स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो हम इसको समझते हैं, इसका संस्कृत में से इसकी परिभाषा को शॉर्ट में कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, यानी जो क्रिया के साथ स्वतंत्र होता है तो वह क्या कहलाता है, कर्ता कारक। तो हम इसे हिंदी में समझते हैं कि जो क्रिया के साथ स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, कहलाता है। तो यानी स्वतंत्र कर्ता जो क्रिया के साथ स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, राम पढ़ती, यानी राम पढ़ता है। तो इसमें पठन क्रिया का सीधा संपादक राम है, तो ये अपने इसका यानी राम का ये क्या है, कर्ता। राम का सीधा संबंध पठती यानी कि क्रिया से है, तो ये कर्ता यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पठन क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर अपने कर्ता कारक होगा और प्रथमा विभक्ति होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर राम स्वतंत्र रूप से पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम कर्ता कारक में कि कर्ता कारक किन 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 के योग में कर्ता कारक लगता है उसको हम देखते हैं। तो अपने प्रश्न नंबर पे आता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे योग्य कर्ता प्रथमा विभक्ति। तो देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर पे अपने आते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदी के अर्थ लिंग परिमाण और वचन आदि में आदि के योग में प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होता है। तो आगे देखते हैं, इनको हम इसका अर्थ देखते हैं कि प्रातिपदी के अर्थ में और लिंग जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग परिमाण भारवाचक शब्दों में और वचन यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए कि प्रातिपदिकार्थ यानी कि लिंग परिमाण वचन मात्र के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये जैसे कि बलदेव यह संज्ञा शब्द हो गया और लिंग में इधर से लिंग में हो गया अपने लघु या फिर लता और पुरुष, लिंग में पुरुष हो गया लता और लघु। तो हम आगे देखते हैं, इसका उदाहरण ये हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और संबोधन में, यानी दूसरा पॉइंट है संबोधन च, यानी संबोधन संबोधन च संबोधन च, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं,
या पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, यानी संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति व कर्ता कारक होता है। ठीक है, संबोधन च संबोधन में भी कर्ता कारक होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, तो इसका उदाहरण देखते हैं, बाल का यूयम कुत्र गच्छत, या हे बाल का, हे बालकों तुम सब कुत्र यानी कहाँ पर जा रहे हो। तो ये संबोधन हो गया एक तरह से, कि वो उनको संबोधन रूप से यानी कि सम्मान रूप से कह रहे हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो यहाँ पर संबोधन हो गया, हे बालको, यानी कि हे बालको आप कहाँ पर जा रहे हो या आप सब कहाँ पर जा रहे हो। तो हमने ये समझ लिया प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्र के योग में प्रथम विभक्ति आती है, और संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है और कर्ता कारक होता है। हमने इसका उदाहरण देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कर्ता कारक इति, इति के योग में भी कर्ता कारक होता है, तो हम उसे समझते हैं। तो हम देखते हैं कि तीसरा अपना पॉइंट होगा कि इति शब्द, यानी इति शब्द में भी प्रथमा विभक्ति, इति शब्द में भी प्रथमा विभक्ति और वह कर्ता कारक होता है। होता है तो इसका उदाहरण देखते हैं कि वयम इमं निशांत इति नामना जानीम, यानी कि वयम हम सब इमम इसे या उसे निशांत इति नामना जानीम, यानी कि इस नाम से जानते हैं, यानी इति का अर्थ होगा इस, कि निशांत इति नामना जानीम, यानी कि निशांत नाम से जानते हैं। तो इति के इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो अपने ये प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक पूरा हो गया, यानी क्लियर हो गया। तो हम आगे कर्म कारक, यानी अपने दूसरे नंबर पे क्या होगा कारक के प्रकारों में, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, कर्तृरीप्सितम कर्म, यानी कि कर्ता जिसे सर्वाधिक या सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है और द्वितीय विभक्ति होती है, यानी क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति होती है। तो हम इस कर्म कारक को अपने अगले वीडियो में देखेंगे और आराम से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसके साथ ही नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।